टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। विदेशी बाजारों में तेजी के बीच दिल्ली तेल तिलन बाजार में मंगलवार को सोयाबीन तेल की कीमतों में सुधार दर्ज हुआ। बाजार सूत्रों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज में 0.4% की तेजी थी, जबकि शिकागो एक्सचेंज में फिलहाल 0.5% की। सूत्रों का कहना है कि विदेशी बाजारों के तेज होने से सोयाबीन तेल के भाव मजबूत हो गए, जबकि सोयाबीन के तेल रहित खल DOC की मांग कमजोर होने से सोयाबीन तिलन के भाव गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं सोयाबीन तेल इंदौर के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली तेल तिलन के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। मूंगफली तेल तिलन भाव के सामान्य रहने के बीच बिनौला तेल की कीमतों में गिरावट आई। CPO के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे, जबकि मांग कमजोर होने से पामोलिन तेल की कीमतों में गिरावट आई। इस पर सूत्रों का कहना है कि सरसों तेल तिलन के भाव भी गिरावट के साथ बंद हुए। उनका ये मानना है कि अगले 1 से 1.5 महीने तक सरसों की स्थिति ऐसी ही रहने वाली है, क्योंकि नई फसल आ जाएगी। बरसात के कारण सरसों फसल आने में देर भी हो सकती है। उनका कहना है कि सरसों की नई फसल के लिए भी काफ़ी मात्रा में पुराने सरसों की जरूरत पड़ेगी। सामान्य कारोबार के बीच बाकी तेल तिलन के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।